बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारा ट्राउज़र का डिज़ाइन लेकर आए हैं। सबसे पहले हम अपने ट्राउज़र की लेंथ लेंगे। दो इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और 31 इंच हमारे ट्राउजर की लंबाई है। अब हम ये मैं एक पीस लूंगी, ये मैंने पेपर पट्टी का पीस लिया, तकरीबन 2.5 इंच और लंबाई मैंने अपने ट्राउजर के हिसाब से लिया 20 इंच। अब हम इसे उल्टी साइड पे निशान लगाएंगे। आधा इंच से कम हम इस तरह से एक लाइन लगाएंगे। इस तरह से इस साइड पे भी हम इसी तरह करेंगे, आधा इंच से कम लाइन लगाएंगे। अब हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच पे हम ये निशान लगाएंगे और फिर हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह हम 1-1 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से ये हम तिरछी लाइनें लगाएंगे, निशानों को आपस में मिलाएंगे। ये देखिए मैंने सारे लाइनें लगा ली हैं। अब हम इस पीस एक लेंगे, इस तरह से हम इसे कपड़े पे लगाएंगे। पेपर पट्टी जितना हम ये कपड़ा लेंगे, इस तरह से इसे प्रेस कर लेंगे। इस तरह से ये धागा मैंने इस तरह से भरा है, तकरीबन इसकी 6 मैंने रखी है। धागे को 6 दफ़ा मैंने फोल्ड किया ताकि मोटा लगे और हमारी ये लाइनें अच्छी तरह से बने। इसे हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे इस तरह से।
अब हम इधर से भी ढीला करेंगे और टांके को भी बड़ा करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना लिया। अब हम ये मैंने शर्ट के साथ पट्टी ली है तकरीबन 1 इंच की, 1 इंच हमारे पास लंबाई में नहीं है, हमने चौड़ाई में लिया। अब हम इसके छोटे टुकड़े करेंगे तकरीबन 1.25 इंच के। ये देखिए इस तरह से मैंने 1.25 इंच का पीस काटा है और साइडों पे ये मैंने सिलाई लगा कर सीधा किया है। इस तरह से इनकी ये शेप बनाई है, ये हमारी पट्टी बन गई है। अब हम इसे इस तरह से लगाएंगे। एक हम नीचे लगाएंगे और दूसरा दूसरी साइड पे लगाएंगे, फिर हम एक नीचे लगाएंगे और दूसरी साइड पे दूसरा लगाएंगे। इस तरह से हम लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने लगा ली, तमाम पट्टियां लगा ली, एक छोड़कर एक मैंने लगाई और इसके सामने दूसरी लगाई। इस तरह से ये मैंने लगा लिया। अब हम ट्रोज़र की लेंथ लेंगे 2 इंच डास्टर के लिए और कुल लंबाई थी हमारी 37 इंच, इसमें 2.5 इंच हम ये कम करेंगे तो 35 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसे काट लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और इस सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमने 1 इंच की पट्टी मैंने की है फोल्ड। इस तरह से हम इसे अंदर रखेंगे और इस तरह हम ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखें इस तरह से मैंने पट्टी लगा ली है तो हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। देखिए कितना सिंपल सा है और प्यारा लग रहा है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।